नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में इस साल जुलाई से लेकर अब तक आईपीओ मार्केट में जबरदस्त हलचल रही है। जुलाई और अगस्त के महीने में लिस्ट होने वाले कई स्टॉक्स ने लिस्टिंग डे पर आम निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 2023 के साल में अब तक लिस्ट होने वाले 18 में से 16 शेयरों का रिटर्न लिस्टिंग डे पर पॉजिटिव रहा है, जबकि 5 शेयरों ने तो पहले ही दिन 50 से 93 फीसदी तक का रिटर्न दिया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आईपीओ से कमाने का मौका चला गया तो जनाब आप गलत हैं। अगले हफ्ते शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए 3 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ओपन होगा। इसमें रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड और ईएमएस लिमिटेड का नाम शामिल है। आइए अब इन तीनों कंपनियों के आईपीओ के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में जानकारी ले लीजिए। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 165.03 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 14 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी ने इस इशू का प्राइस बैंड 93 रुपए से लेकर 98 रुपए तय किया है। रिटेल निवेशकों को मिनिमम 1 लॉट यानी 150 शेयरों के लिए बिडिंग करना पड़ेगा। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 58 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,700 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1950 शेयरों के लिए बिड कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,91,100 रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है ये जान लीजिए। रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड गुजरात के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से अपना बिजनेस चलाती है। कंपनी फिनिशिंग शीट, वॉशर और सोलर माउंटिंग हुक, पाइप और ट्यूब बनाती है। इसके साथ ही कंपनी ऑटोमोटिव, सोलर पावर, विंड एनर्जी पावर प्लांट सहित अन्य चीजों के लिए स्टेनलेस स्टील ब्लेड का भी प्रोडक्ट बनाती है। अब आइए दूसरे आईपीओ पर। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 869 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 695 रुपए से लेकर 735 रुपए प्रति शेयर तय किया है। रिटेल निवेशकों को मिनिमम 1 लॉट यानी 20 शेयरों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 735 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,700 रुपए लगाने होंगे। इसी तरह जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल लिमिटेड के आईपीओ के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 260 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,91,100 रुपए खर्च करने होंगे। बता दें, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल लिमिटेड मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी टर्शियरी व क्वार्टरली हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। वर्तमान में थाने, पुणे और इंदौर में जुपिटर ब्रांड के तहत 3 हॉस्पिटल्स को ऑपरेट करती है। तीनों हॉस्पिटल में टोटल 1,194 बेड की कैपेसिटी भी है। तीसरा आईपीओ ईएमएस लिमिटेड है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 321.24 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 21 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। हालांकि कंपनी ने अभी तक आईपीओ के प्राइस बैंड का खुलासा नहीं किया है। जल्द ही कंपनी प्राइस बैंड भी जारी करेगी। इसके बाद ही मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में पता चल पाएगा। बता दें, तीनों कंपनियों ने अपने अपने आईपीओ का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी का बचा यानी 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा है। अब हमने आपको तीनों आईपीओ के बारे में विस्तार से जानकारियां दे दी हैं। अगर आपको इन आईपीओ में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।
इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्तार।